मुख्तार अंसारी की पत्नी से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। अफशा का वीडियो कॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो कॉल से अंतिम दर्शन की चर्चा काफी जोरों पर है। फरार होने के कारण जनाजे में शामिल नहीं हो पाई अफशा अंसारी। 75,000 की नामिया है अफशा अंसारी। लोगों के बीच में वीडियो कॉलिंग के चर्चा भी हो रही है कि वीडियो कॉल करके अंतिम दर्शन किए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अफशा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी की पत्नी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि, चर्चा काफी जोरों पर है कि अफशा अंसारी ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी है, क्या अभी इसकी पुष्टि हो पाई है या महज ये अफवाह है? देखिए, मुख्तार के मौत से बाद से ही ये बात सामने आने लगी थी कि अब जो फरार अफशा अंसारी है वो सामने जरूर आएगी और अंतिम विदाई में, मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई में वो शामिल होगी। क्योंकि एक बात ये कही जाती है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति की मौत के विदाई के वक्त रहना चाहती हैं, लेकिन लगभग पूरा कार्यक्रम बीत गया लेकिन अफशा अंसारी सामने नहीं आई, तो लोगों के बीच में ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि बिल्कुल अफशा अंसारी ने वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुई है, मुख्तार अंसारी का अंतिम दर्शन की है और भगोड़े मतलब फरार होने के कारण वो शामिल नहीं हो पाई है। तो ये चर्चा है, इससे अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चा आम हो रही थी उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अफशा अंसारी वीडियो कॉल के जरिए मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई में शामिल हुई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कासगंज जेल में अब्बास पूरी रात सो भी नहीं पाया और रोता रहा। वो वीडियो कॉल पर अपने पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से अब्बास परेशान था, इसलिए वो अपने हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी रात टहलता रहा। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में बंद है। से जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद भाई रुक जा यार, रुक, जनाजे की नमाज हुई। इस खाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए, फातिहा हो चुका है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो।